भाग भाग कर और का हो का गया है एक बार में, काहे ना ही बताते हैं कि कौन सा अचार चाहिए। पगली देखो खाना तो चाहते हैं हम अचार, लेकिन तुम जानती हो हम दिनों के हिसाब से खाते हैं। काहे ये कौन सा नया परंपरा शुरू किए हैं? हाँ अचार ही तो है, कोनो मांस मच्छी तो नहीं है। अभी तुम समझ नहीं रही हो। देखो क्या है कि कुछ सब्जियां जो है ना वो वेजिटेरियन सब्जियां वो नॉन वेजिटेरियन की श्रेणी में भी आती हैं। वो जब पौधे में उगती हैं तो फिर वो नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गई? वेजिटेरियन हुई ना। अरे लुक के हिसाब से बात कर रहे हो, वो दिखती ऐसी है। अब जैसे जैसे बैगन है, बैगन की जो पूंछ होती है वो ऐसी लगती है जैसे मुर्गी की टांग, और जो कटहल की सब्जी होती है वो ऐसे लगती है जैसे मटन पकाया हो। हम कभी छुए भी ना है जी, आप कछु भी बात करते हैं हमारे घर में सब अशुद्ध हो जाएगा। जाइए अब एक ठनौका रख लीजिए और उसको लस्ट दे दीजिए बस। बोलती हो लस्ट नहीं, लिस्ट होता है पगली, लिस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। एक ठनौका रख लीजिए, उसको बता दीजिए क्या खाएंगे कब खाएंगे। अले जुकी भैया हाँ का है ना कि हमरा बदन टूट रहा है तो कोनो टेबलेट वेबलेट खा लो पगली। नहीं डॉक्टर साहब, हमको अपने रोमांस का इंजेक्शन दे दीजिए ना। अरे पगली क्या क्या, क्या कर रही हो? सारा गाना खुद ही गा दोगी है? हमें भी तो गाने दो पगली। आप गाएंगे गाना? हाँ तो लेकिन आपका गाना सुनकर हमरा रोमांस का मूड बाफुर हो गया तो I'm just poking। Poking नहीं, जोकिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो फिर तनिक लाइट ऑफ करो। हाँ बात है। अब हम गाते हुए तुम्हारे पास आएंगे, ठीक बा? ठीक बा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। ये हम आगे काहे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमको क्या पता हो क्या रहा है बे? I like it। मैं like it गया तेल लेने। ये कर क्या रहे थे आपको हमारी खिड़की पे आप? भैया मुझे रद्दे चाहिए। आप तो जानते हैं ना, मैंने रिसाइकिल का बिजनेस शुरू किया है। मैं लोगों से रद्दी लेता हूँ और उसको रिसाइकिल पे डाल के उसका नया कागज बना के आप ही लोगों को वापस दे देता हूँ। अरे नहीं चाहिए और नहीं है हम आपको रद्दी बद्दी, चले निकले यहाँ से। यार ये भी ना हमरे बिटुआ, रुको एक मिनट। लगता है भाभी मां रद्दी लाएंगी। ये लो हमरे बिटुआ, ये रहा रद्दी और भी बहुत सारा है, कल सुबह आकर ले जाना। हाँ इतने सारे रद्दी, आई लाइक इट। और भैया सुनिए, आपसे भी ये गुजारिश है, आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये देश और दुनिया के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर। आग लगी है बस्ती में, अरे हम अपने हैं मस्ती में, और आग लगी है बस्ती में। भाई जेरोक्स निकालते हो? भैंसिया का दूध निकालते हैं। अबे ये कैसा बेहुदा जवाब दिया? बेहुदा सवाल पूछेंगे तो बेहुदा जवाब भी सुनने को मिलेगा। भैया जेरोक्स का दुकान है, जेरोक्स ही निकालेंगे ना। हाँ तो हम भी जेरोक्स कराने आए हैं। अपना जेरोक्स करवाने आए क्या? माफ कीजिएगा, इंसानों का जेरोक्स नहीं निकलता है यहाँ पे। हाँ तो हम भी एक तो छोटी फोटो का बड़ा साइज बनवाने आए हैं। फोटो का है? ले भाई, इस फोटो का जो है तनिक बढ़िया सा बड़ा साइज बनाइए। उसका नाक नहीं, इसका कान नहीं। भाई कुछ सही सा प्रिंट आउट निकालना यार। अब आप फोटो भी बाबा आदम जमाने का लाए, हम क्या करें। एक बात बताइए महाराज, हमारे जेरोक्स दुकान में जितना फोटो पेपर बचा है सब खत्म करवाने का इरादा है क्या? हमें तो फ्री फंड में करवा रहे हैं क्या? पैसे दे रहे हैं ना। कोई बढ़िया सा प्रिंट आउट तो निकाल के ला। साले पड़ोसी की बैंड बजानी है, बंदी वालों को बेच रही थी। इनके बारे में तो हम कभी सुने ना ही। दादाजी के दादाजी के दादाजी तृतीय कब हुए? अरे ये जब हुए तब हुए। सारी लड्डू के भैया। अरे हमसे क्या सारी कह रही हो? माफी मांगना है तो इनसे मांगो, इनसे। ये हमारे खानदान की आन बान शान है। हम दुनिया से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने दादाजी के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। चाच, क्या हुआ? कचेड़ू, ये जो सामने हस्ती बैठी है, कौन? पगलेट सक्सेना? नहीं। वो बगल में भाभी जी? नहीं। कच्चा बनियान? अरे एक अच्छा बनियान नहीं है, ये हमारे माई बाप है, हमारे रक्षक है, हमारे वंशज है। वंशज? खली बली श्री सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? चाचार, यहाँ अपने आप को संभालना मुश्किल है। आपने एक नई जिम्मेदारी ले ली। वो कहते हैं ना, आप ना जिए कुत्ते पाले। सवाल सवाल की बात कर। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये फर्ज है। ये उस परंपरा का सम्मान है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा चलाया गया है। कौन सा फर्ज है, कौन सा सम्मान है चाच? लगता है उन दिनों हमारे बुजुर्गों के पास काम नहीं होगा, लेकिन आज हमारे पास। तेरे पास आज काम नहीं है और ना मेरे पास कोई काम है। ओके फाइन, ना आपके पास कोई काम है ना मेरे पास कोई काम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी भी ऐरे खैरे रत्तू खैरे की गुलामी करना शुरू कर दें। टेल मी कचाड़ो, व्हाट वाज दैट? अरे ये कोई ऐरे खैरे नत्थू खैरे नहीं है, ये खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय के पंचज हैं। आई डोंट केयर, आगे कुछ मत बोल। जैसा मैं बोलूं वैसा करता जा, समझ में आया तुझे? चल, ये हमारे भगवान है और भगवान की सेवा करने से मेवा मिलता है, तुझे मेरी कसम। ओह कम ऑन चाच, डोंट बी एफजी। ऑलराइट, ठीक है, आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं आपकी ऑलमोस्ट इज्जत करता हूँ, ऑलमोस्ट। और जो हमारे बुजुर्गों ने रायता फैलाया पहले, समेटना तो हमें पड़ेगा ना। तो समेट ले। भाई जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपको तो पूरा का पूरा हुलिया बदला हुआ है। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। उक्का है ना भरभूति जी, कि अब तो आप जानते हैं कि हम रेलवे फैमिली से हैं। जी, आप वो रॉयल फैमिली कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है, शाही खानदान, राजपुताना खानदान की जो बहु बेटियां होती है ना, वो ऐसे ही पोशाक पहनती हैं। भाभी जी, इस पोशाक में ना आप पटाखा लग रही हैं। मगर भाभी जी, आप बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। रानी साहिबा, आ गया खब्बीस। लपड़ मारे मुंह तोड़ दें। अब भैया जी भिंडी कैसे दिया? 100 रुपया। अच्छा तोल दो ये हमको आधा किलो। ये लो, और एक तो पत्ता गोभी भी दे दो। अबे जी कुछ पालक भी ले लीजिए। ठीक बा, पालक पकोड़े खाएंगे आप? हम तो नौकर हैं मालकिन, अगर आप खिलाएंगे तो क्यों नहीं खा लेंगे। हाँ हाँ जरूर खिलाएंगे, काहे ना। दो हमको एक पालक का अजूड़ी भी दो। मालिक क्या है कि थाली के बैगन है थोड़े से। क्या बोले? हमने कहा बैगन अच्छा लगता है मालिक को। हाँ उनको बहुत ही पसंद है। ठीक भाई सब बांध दो। हाय दिया भरभूति जी हम थैली तो भूल गए। मालकिन आप भूल सकती हैं, हम नहीं ना भूल सकते हैं। बेटा डाल दे बेटा। बहुत अच्छे थांकू। हर तरफ एक ही जैसी खबरें अम्मा सब। ये क्या देश दुनिया में हो रहा है? देखो कहीं युद्ध चल रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं जुलूस निकल रहा है, बस यही सब देश दुनिया में हो रहा है। तो तुम्हारे घर में थोड़ी बाढ़ आ रही है। फालतू की चीजें पढ़ते हैं फालतू में। खामा खा इतना खर्चे की बातें कर रहा हूँ। ये बताओ जब घर में इतना बड़ा टीवी है तो अखबार पढ़ के क्या घुइयां छीलोगे? लौंडे ये क्या हरकत है? और ये सब बोलने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम्हारे वेलफेयर रह रहे हम शुभ चिंतक। आओ चलो धरती बोझ है लौंडे। सही कह रहे हो मां साहब। क्या बनाओ? आजा आजा इधर आ। सुन मैं चाय पीकर कोई दूसरा लौंडा पकड़ता हूँ। ये ले बेटा 50 रुपया और जाके ऐश कर जा। अरे जा चाय पिला। 50 रुपया में बेचारा क्या ऐश कर लेगा? अबे मास्टर तुझे इतनी दया आ रही है तो तू 1000 रुपया दे देना, उसकी आयाशी हो जाएगी। और तुम लोग ने एक खबर सुनी है क्या? कौन सी खबर? वो कच्चा बनियान है ना, वो बहुत बड़ा जमींदार है, वैसा वो कह रहा है, और विभूतिया उसका खादिम। प्रेम भाई वो जो ठेला लेकर आए थे वो आपका था ना? हाँ। उसमें रखा सामान भी आपका था? हाँ। अरे वो लौंडे टीका टिल्लू लेकर चले गए। अबे ओ लौंडा सालो। प्लास्टिक का जमाना है, प्लास्टिक। पता नहीं किस भुतनिया वाले ने सक्सेना जी के दिमाग में प्लास्टिक भर दिया। सोते जागते उठते बैठते बस प्लास्टिक प्लास्टिक चिल्लाते रहते हैं। इसे निकालो यहाँ से। निकालो यहाँ से। मालिक माफी माफी खाली वाली साहब माफी 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 मांग रहा है मालिक। ये शहमात। वाह वाह खाली वाली जी क्या कमाल की चाल चली है। भाई ये तो हमारे बुजुर्गों का खेल है। हमारे बुजुर्ग नवाब वाजिद अली शाह के साथ शतरंज खेला करते थे। झुट्टा जूता देख लो मालिक, जूता साफ कर दूं आपका? कहीं तो साफ है मालिक। हुक्का पिएंगे या पिलवाएंगे? आज शाम को पिलवाएंगे। आप बदतमीज बदज़ात बदज़ात बेलिहाज, तूने हमारी इतनी कीमती प्याले तोड़ दिए। अरे ये बेचारा तो खुद टूट गया। खादिम चाहे टूटे चाहे फटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कीमती सामान नहीं टूटना चाहिए। बदतमीज महाराज का सामान तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। बताओ सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। अचानक किसी बदतमीज ने अड़ंगी मारी और मैं गिर गया। ये कमबख्त बहाने बना रहा है। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ मालिक। तू चुप रहे। अगर मालिक ने कहा ये बहाना है तो बहाना है। हम अब तक सिर्फ आपका लिहाज कर रहे थे खादिम डेविड, नहीं तो इसने तो सारी हदें पार कर दी। मालिक, आप जो सजा देना चाहते हैं इसे दे दीजिए। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। हंटर लेके आओ। जी महाराज। धन्यवाद मालिक। जी मालिक। अक्का है कि भरभूति जी को दीजिए। खादिम के बच्चे, काम के वक्त खाना अच्छी बात नहीं है। अब भरभूति जी को खाने दीजिए ना योर हजामत। मालकिन वो योर हाइनेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, खाने दीजिए उनको, उनका भी तो पेट है। रानी साहिबा, पैर की जूती पैर में ही रहे तो अच्छा लगता है। अगर उसे गोद में बैठा कर चलेंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। क्यों प्रजाजनों? बहुत सही कहा जमींदार साहब। मान लीजिए अगर हमने का बहुत ही बेशकीमती सूट पहना है, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहनी है, गले में सोने की चैन है, और हमारी बगल में एक निहायत ही आम आदमी खड़ा है, 2 टके का छपरी, और अगर दुर्भाग्य से वो हमारा दोस्त है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। ये आज मैं 1 घंटे से मालिश करवाना, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं फोन डालू आज को। तू फोड़ेगा तो फिर सारी चीजें फूट जाएंगी, तुझे पता। आई डोंट केयर। खामोश। विभूति भैया, ये आप लोग आपस में कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये हमरे खादिमों का भाषा है। ओह, नौकरों वाली बातें। जमींदार साहब, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, आपकी जो खादर वाली जमीन है ना, उसके लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड। इन सब की फोटोकॉपीज लगेगी। खादिम, ये सभी कागजात की फोटो इन्हें दे दी जाए। मालिक, हुक्का पिएंगे या पिलवाएंगे? ठीक है मालिक, मैं फोटो कॉपी लेके आता हूँ। यार हॉर्नियस नहीं। मालकिन, अगर ये हॉर्नियस होते तो अभी आपके आंगन में 15-20 बच्चे हॉर्न बजा रहे होते। है? आप क्या बोले? मैंने कहा मालकिन, आप योर हाइनेस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं महाराज, हम बाजार जाना चाहते हैं। खादिम, रानी साहिबा को बाजार में शॉपिंग के लिए ले जाया जाए। आइए महारानी, आइए आइए। खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय, ये हमारे भगवान हैं, इनके पैर अपने माथे पे लगाओ, ये हमारे बादशाह हैं। अरे मुझे पहले से पता था कि ये दो कौड़ी का लीचड़ आदमी हमारा बादशाह हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर तो मालिक भक्ति का भूत सवार था। इसने डेविड मिश्रा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बैंड बजा दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन बैंड बजाएंगे कैसे? इसे सेवा करवाने का बहुत शौक है ना। हाँ, सेवा कराने का शौक तो बहुत है। तो बस सेवा करेंगे और जम के सेवा करेंगे इसकी। आप अकेले सेवा करेंगे, हमें ही मौका देंगे। चिंता मत कर तू खचेड़ो, तुझे तो मैं पूरा मौका दूंगा इसकी सेवा करने के लिए। योर हाइनेस, अरे भाई खादिम, हमारे लिए रॉयल स्वीट्स लेकर आए। योर हाइनेस। खाइए योर माइनस। हाइनेस होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं। खाइए ना, आपके लिए स्पेशल रॉयल स्वीट गुलाब जामुन। रॉयल स्वीट गुलाब जामुन होता है रानी साहिबा। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या बवाल है? ये बवाल ना ही उपाय है। किस चीज का उपाय है? जब तिवारी खानदान में संतान ना ही होती है तो उनको मिर्ची वाले गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं। हाँ? ये क्या बात कर रही हो हुजूर? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संतान प्राप्ति के लिए तिवारी खानदान ने हमेशा तीखे गुलाब जामुनों का सहारा लिया है। क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। अब भी नहीं है। हाँ? खली बली। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये तीखे गुलाब जामुन खाने से ही संतान प्राप्ति होती है। लेकिन जो तिवारी खानदान की परंपरा है उसका क्या करेंगे? अपने गिरिबान में झांक के देखिए, आपको इस बात का एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि आप भी तीखे गुलाब जामुनों की पैदाइश है। के भैया भी तीखे गुलाब जामुनों का पैदाइश है। तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा में साफ साफ इस बात का जिक्र है। इसीलिए आपसे निवेदन है आदरणीय कलीबली महाराज जी कि आप गुलाब जामुनों का सेवन करें। खाइए ना महाराज। और अगर हम नहीं करें तो? तिवारी खानदान की मशहूर पुस्तक में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई खाने से नानुकुर करे या एतराज करे तो उस पर बल का प्रयोग करें। पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया इसने। जिधर देखो प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। प्लास्टिक बन गई रे दुनिया रे, प्लास्टिक का जमाना है। वाह 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 सक्सेना साहब, मतलब क्या गाना गाया आपने। गाना नहीं है ये आंदोलन का बिगुल है। अब आंदोलन होगा, आंदोलन। अब मशीनरीज बंद होंगी। एक बार फिर बैल खेतों में जाएंगे, बकरियां दूध देंगी। तो ये मशीनरियों से और बैलों से प्लास्टिक का क्या संबंध है? देखो दगड़ी, इस दुनिया में ना हर चीज का किसी न किसी रूप में किसी न किसी के साथ कनेक्शन जरूर होता है। जैसे कि इस वक्त आप मुझे गधे के काफी करीब लग रहे हैं। आज मजा आ जाएगा। वो बर्फ की सिल्ली और वो बेपहरान बदन और ऊपर से कोड़े। आइडिया बहुत सही है ना, मालिक की सेवा करने का। लेकिन ये आइडिया भी मालिक की तरफ से आना चाहिए। अगर हमारी तरफ से आएगा तो शायद मालिक ना नुकुर करें, मना कर दें। सही कह रहा है। आ रही है, शुरू हो जाइए। शक्ति प्रदर्शन। तुझे पता है खली बली महाराज सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय हर वर्ष शक्ति प्रदर्शन किया करते थे। अरे दिया, इस शक्ति प्रदूषण क्या होता है? वो शक्ति प्रदर्शन होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। चाहे बताइए कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है और ये कैसे होता है? बेटा शक्ति प्रदर्शन एक इम्तिहान होता है योद्धाओं का। जिन योद्धाओं की बाजुओं में अन्याय के खिलाफ लड़ने की कुव्वत होती है। वाह, दैट्स नाइस। अगर वो शक्ति प्रदर्शन ना करें तो उनकी बाजुओं के अलावा उनके और भी शरीर के अंगों में जंग लग जाता है। तो क्या उनकी संतान नहीं होती? तो चाच आपका कहने का यह मतलब है कि खली बली सुरेंद्र मोहन तिवारी तृतीय हर वर्ष शक्ति प्रदर्शन क्या करते थे? अरे सिर्फ वो ही नहीं, तिवारी खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी शक्ति प्रदर्शन करते रहे। लेकिन चाच ये शक्ति प्रदर्शन होता क्या है और कैसे करते हैं? अरे बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि खली बली महाराज को जो है वो बर्फ की सिल्ली पे लिटाते हैं। उसके बाद उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो उनके ठीक सामने खड़े होकर के नृत्य करती हैं और अपनी ऊर्जा का संचार करती हैं उनके अंदर। Oh, that's simple. लेकिन हमारे जो मालिक हैं खली बली मनमोहन तिवारी प्रथम, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे जमाना बदल गया है भाई, आजकल कोई नहीं करता। अरे डर गए होंगे भाई, और आजकल लोग ठंडे हो गए, इसीलिए तो औलाद नहीं हो रही है। शक्ति प्रदर्शन होगा और अवश्य होगा। हम आप दोनों को आदेश देते हैं कि बर्फ की सिल्ली और कोड़े का इंतजाम किया जाए। क्या समझे? जैसा आपका हुक्म मालकिन। शक्ति प्रदर्शन। प्लास्टिक बन गई रे दुनिया रे, प्लास्टिक का जमाना है। वाह वाह वाह, मतलब कितनी सुरीली आवाज है आपकी। ये आपकी सुरीली आवाज का राज क्या है? मैं प्लास्टिक खाता हूँ। यार टीका, अगर सक्सेना प्लास्टिक खाता है तो क्या इसके जिस्म के सारे अंग प्लास्टिक के होंगे? सारे अंग प्लास्टिक के? अगर आप लोग मेरी बिना प्लास्टिक की आवाज सुन लेंगे ना, आप लोगों के कान के पर्दे हिल जाएंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं, आजकल कुछ भी रियल नहीं है इस दुनिया में भैया। हर चीज पर कुछ ना कुछ जमा हुआ है। किसी पर कचरा जमा है, किसी पर प्लास्टिक जमा है। ये पूरी दुनिया एक अजीब से गैस चेंबर के रूप में बदल गई है। क्या आप लोग जानते हैं पहले लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी? हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा है कि करीब 150 साल। गलत जानकारी है तुम्हारी। अरे 150 साल तो मच्छर जीते थे, इंसान तो 500 साल तक जिया करते थे मेरे भाई। मच्छर की उम्र 150 साल थी? जी हाँ। जो मच्छर पहले 150 साल जीता था ना, अब वही मच्छर सिर्फ 24 घंटे जीता है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यही तो मुद्दा है मेरे दोस्त, आखिर जिम्मेदार माने तो किसको माने। तुर्की में एक मुर्गी ने बैंगनी कलर का अंडा दिया है, इसका जिम्मेदार कौन है? उस बैंगनी कलर के अंडे का जिम्मेदार कौन है? तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारा ये कैमरामैन जिम्मेदार है, हैं? कौन है उस बैंगनी अंडे का बाप? call. I don't like it.